हाय, तो कुछ ऐसे कारण जिससे सीबीएसई आपको डेफिनेटली फेल कर सकता है। बच्चों ध्यान से सुनिएगा। आपकी गंदी हैंडराइटिंग, गंदी हैंडराइटिंग का मतलब ये होता है कि आपने साफ सुथरा नहीं लिखा है। नंबर दूसरा कि आपसे डायग्राम पूछा गया और आपने डायग्राम नहीं बनाया है, और अगर डायग्राम बनाया है तो नीट एंड क्लीन वेल लेबल्ड नहीं बनाया है। नंबर तीसरा, आपने अननेसेसरी उसमें कुछ भी लिखा है, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया उसका आंसर आपने ढंग से नहीं लिखा है। नंबर चौथा, आपने अपनी कॉपी पे इतने पैराग्राफ लिखे हैं जिससे एग्जामिनर उसे पढ़ ही नहीं पा रहा है। नंबर पांचवा, आपने ना बनते हुए क्वेश्चंस को पहले लिखना शुरू किया, जिसकी वजह से इंप्रेशन आपका पहले समय से ही, पहले घंटे से या पहले क्वेश्चन से ही खराब हो गया है। ये कुछ पांच कारण हैं जिससे सीबीएसई आपको फेल कर सकता है। इनको इमीडिएटली चेंज करिए, नहीं तो आप परेशानी में फंस जाएंगे।